तो फ्रेंड्स, आज हम मीटर ब्रिज की हेल्प से श्रेणी क्रम यानी सीरीज लॉ को वेरीफाई करना सीखेंगे। सीरीज लॉ या श्रेणी क्रम का जो नियम होता है उसकी हम पुष्टि करते हैं मीटर ब्रिज की हेल्प से। सबसे पहले देखो, ये जो एपरेटस है इसका नाम मीटर ब्रिज है, क्योंकि इसमें एक मीटर लंबा तार होता है। और देखो यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट आपको जुड़े हुए मिलेंगे। ये बैटरी एलिमिनेटर है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये धारा नियंत्रक या रियोस्टेट है, और ये रेजिस्टेंस वायर है। ये चीजें आपको जुड़ी हुई मिलेंगी इसके अंदर। और ये जोकी है, और ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये जो व्हाइट कलर के वायर है वो कनेक्टिंग वायर है, और ये जो वायर है ये रेजिस्टेंस वायर है। व्हाइट कलर के जो वायर है इसका रेजिस्टेंस जीरो मानते हैं। अब सबसे पहले देखो, आपको मैं मेथड बताता हूँ। एग्जाम में जब आप जाओगे तो आपको ये सर्किट तो जुड़ा हुआ मिलेगा, आपको जाके वहां पे सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम जो है वो आप कैसे बनाओगे, इसका मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, आपका ये जो बैटरी एलिमिनेटर है इसको आप 2 वोल्ट पे रखना, और इसके अंदर एक प्लस और एक माइनस का टर्मिनल है। लाल रंग वाला जो कनेक्टर है वो प्लस का है, और ब्लैक कलर का जो है वो माइनस का है। तो आप यहाँ पर प्लस और माइनस यहाँ पर शो कर देना कॉपी के अंदर के भाई ये प्लस का है और एक माइनस का है। प्लस से वायर निकलेगा, वो वायर यहाँ पर आपको मीटर ब्रिज पे मिलेगा। मीटर ब्रिज पे आप जब देखोगे तो आपको ऊपर ये एल शेप की ब्लेड दिखाई देगी। ये एल शेप की ब्लेड जो है इसको आप कॉपी के अंदर ड्रॉ कर लेना। ये एल शेप की ब्लेड हो गई, और ये इसके जो नीचे वाला जो कनेक्टर है इससे हमने व्हाइट कलर का वायर जुड़ा हुआ है। अब ये माइनस का वायर जो है ये सीधा आपके जा रहा है, यहां से ये जो वायर है ये जा रहा है आपका रियोस्टेट के अंदर यानी धारा नियंत्रक में। तो यहां से आप धारा नियंत्रक के अंदर ये साइन बना लेना। अब धारा नियंत्रक के ऊपर वाला जो तार है, ऊपर वाला तार जो है वो आपका जा रहा है, देखो आगे जाके एल शेप की जो ब्लेड है दूसरी मीटर ब्रिज में उस पे जा रहा है। तो आप यहाँ से ये तार ले लेना, और इधर आप वापस एक एल शेप की ब्लेड लगा लेना। ये एल शेप की जो ब्लेड है इसके जो नीचे वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे आप धारा नियंत्रक का ये जो तार है इसको जोड़ देना। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये रेजिस्टेंस वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है वो जुड़ा हुआ है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये 1 मीटर लंबा तार दिखा देना, और इसके नीचे आप एक स्केल शो कर देना। ये 1 मीटर की स्केल है, ये 1 मीटर स्केल है, ये इस वायर के नीचे लगी हुई रहती है। अब देखो, इन दोनों एल शेप की ब्लेड के नीचे, इन दोनों एल शेप की ब्लेड के बीच में आपको ये एक स्ट्रेट ब्लेड मिलेगी। यहाँ पर ये आपको एक स्ट्रेट ब्लेड मिलेगी। इस स्ट्रेट ब्लेड के अंदर 3 टर्मिनल है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये 3 टर्मिनल यहाँ पे आपको डॉट से शो कर देना है, और ये एल शेप की ब्लेड के जो टर्मिनल है वो यहाँ पे आपको शो करना है। इन दो पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा हुआ है, तो इन दो पॉइंट के बीच में आप यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बॉक्स RB लगा देना। और इन दो पॉइंट्स के बीच में कॉर्नर पर, इन दो पॉइंट के बीच में आपको क्या जुड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस वायर जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंस वायर आप लगा देना। सेंटर वाली जो कनेक्टर है इससे आप क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर जोड़ोगे, और गैल्वेनोमीटर का जो माइनस है वो आपका जोकी से जुड़ा हुआ, और जोकी इस वायर पे लगेगी। तो जोकी इस वायर पे लगेगी, तो आप गैल्वेनोमीटर का जो वायर है वो जोकी जे यहाँ पे कनेक्शन दे देना। प्लस से माइनस की तरफ आप करंट का जो फ्लो है वो करंट का फ्लो प्लस टू माइनस की तरफ इसमें चला देना। तो ये तो आपका सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, सीरीज को वेरीफाई करना है। सीरीज को वेरीफाई करने के लिए आपको एग्जाम के अंदर 2 डिफरेंट वायर मिलेंगे, एक वायर लंबा मिलेगा, एक वायर छोटा मिलेगा। इन दोनों वायर के लिए पहले आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे। फर्स्ट ये वायर जो जुड़ा हुआ है इससे हम R1, इस वायर का रेजिस्टेंस निकालेंगे R1। फिर हम ये वायर खोल देंगे जो भी प्रेजेंटली जो जुड़ा हुआ है, इसकी जगह ये सेकंड वायर जोड़ेंगे, सेकंड वायर का रेजिस्टेंस आ जाएगा R2, ठीक है ना। और फिर हम इन दोनों वायर्स को सीरीज में जोड़ लेंगे। सीरीज में जोड़ के R1 प्लस R2 का जो है वो वैल्यू निकालेंगे। एक उसकी थियोरेटिकल वैल्यू आएगी और एक प्रैक्टिकल वैल्यू आएगी। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं आपको मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले आप जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे 1 ओम की वैल्यू सेलेक्ट कर लेना, इसमें से 1 ओम की की निकाल देना। तो रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू हो गई 1 ओम। अब आप बैटरी को ऑन कर लेना। बैटरी को ऑन करोगे तो आपका ये सर्किट ऑन हो गया। अब आप क्या करना है, इसको चेक करना कि वेदर जो सर्किट है आपका सही जुड़ा हुआ है या रॉन्ग जुड़ा हुआ है। आप इसको लेफ्ट एंड पे ले जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट में डिफ्लेक्शन दे रहा है। फिर आप इसको राइट में ले जाके देखेंगे
तो गैल्वेनोमीटर राइट में डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब आपका सर्किट जो है एकदम करेक्ट जुड़ा हुआ है। अब आप इसके अंदर क्या करना, वो पॉइंट ढूंढना जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो देता है डिफ्लेक्शन। तो हम इसके ऊपर देखो यहाँ पे इस जोकी को लगाएंगे, और जोकी को इसको स्लाइड नहीं करना होता है, इसको आगे पीछे बस हल्का सा इसको टच करते हुए आगे बढ़ाना होता है। तो हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे, तो देखो लगभग 47 पर आपकी इसकी वैल्यू जो है गैल्वेनोमीटर के अंदर 46.546 पर देखो इसकी वैल्यू जो है वो आपकी जीरो आ गई। 46 के ऊपर आपकी इसकी वैल्यू जीरो आ गई। तो हमारे पास में अब टेबल बनेगी। टेबल कैसे बनेगी, ये टेबल जो है ये R1 रेजिस्टेंस के लिए बन रही है। अब मैं जो टेबल बना रहा हूं ना वो R1 के लिए है, तो टेबल फॉर फर्स्ट वायर बना रहा हूं। उसमें सबसे पहले आप सीरियल नंबर, इसमें आप तीन रीडिंग लोगे 1, 2 एंड 3। सबसे पहले आप L ले लोगे, L की वैल्यू जो है हमने निकाली इसके अंदर, ये जीरो यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो L की वैल्यू हमारी आई 46। तो L की वैल्यू हम ले लेंगे 46। सेकंड ले लोगे आप 100 माइनस L लोगे, तो 46 को 100 में से माइनस करोगे, तो ये जो नीचे लिखा हुआ होता है वो 100 माइनस L ही होता है, ये आपका आ जाएगा 54। और फिर आपने जो रेजिस्टेंस सेलेक्ट किया था वो भी ले लोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओम, ये सेंटीमीटर में आ गई, ये सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम आ गई। अब हमारे फर्स्ट वायर का जो रेजिस्टेंस है R1, उसकी फर्स्ट रीडिंग आने वाली है। फर्स्ट रीडिंग कैसे निकलेगी, देखो आप R1 का फॉर्मूला लगेगा 100 माइनस L ओवर L इनटू R। तो 100 माइनस L की जो वैल्यू है वो है 54, और L की वैल्यू जो है वो है 46, इनटू R की जो वैल्यू है वो है 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आप R1 की यहाँ पे रख लेना, ठीक है। ये फर्स्ट रीडिंग आ गई। अब आप क्या करोगे, 1 ओम को की जो की है उस पे वहां पे आप की लगा देना, और रेजिस्टेंस बॉक्स से 2 ओम लगा देना। तो अब आपका जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम आ गई। पहले हमने 1 ओम पे रीडिंग ली थी, अब हम 2 ओम पे लेने वाले हैं। 2 ओम पे लेंगे तो हम L की वैल्यू जो है वो 46 से आगे बढ़ाएंगे। अब ये वैल्यू ज्यादा आएगी, देखो अब आप यहाँ पे वैल्यू बढ़ाते जाओगे, आपकी वैल्यू जो है वो अराउंड ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई 74.5। तो L की वैल्यू आ गई 74.5 सेंटीमीटर, और 100 माइनस L की वैल्यू आ जाएगी 25.5 सेंटीमीटर, और ये 2 ओम आ गई। सिमिलरली अब आप क्या करोगे, R2 की इसकी R1 की ये सेकंड रीडिंग ले लोगे। इस तरह से आप 1 ओम 2 ओम और 3 ओम पे ले लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जो रीडिंग्स है वो 30-70 के बीच में रहनी चाहिए। अभी ये 74.5 है, इसका मतलब हमें इसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.1 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी रीडिंग जो है इन बिटवीन 30-70 रहनी चाहिए, तभी आपका वेरीफाई हो पाएगा ढंग से ये एक्सपेरिमेंट। तो इस तरह से आप R1 की वैल्यू निकाल लोगे। अब ये फर्स्ट वायर हटा लेना यहाँ से, फर्स्ट वायर हटा के आप क्या करोगे, इसमें सेकंड वायर लगा लोगे। ये फर्स्ट वायर हटा के आप यहाँ पे सेकंड वायर लगा लोगे। सेकंड वायर के लिए सिमिलर प्रोसेस को वापस रिपीट करोगे, उसमें 3 रीडिंग निकाल लोगे, फिर इसको सीरीज में जोड़ोगे। सीरीज में जब जोड़ोगे तो क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से आपस में जोड़कर ये दोनों एंड यहाँ पे लगा लेना, तो इसको ये सीरीज में कनेक्शन हो गया। फिर उसके लिए 3 रीडिंग निकल जाएगी, उसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू आएगी वो R1 प्लस R2 के इक्वल आनी चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल R1 की वैल्यू हमारी आई 2 ओम, फर्स्ट वायर से कितनी आई 2 ओम, सेकेंड वायर से इसकी वैल्यू आई है 3 ओम, ठीक है ना। तो सीरीज के लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यू जो आनी चाहिए वो R1 प्लस R2 आनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 ओम आनी चाहिए। और जब हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे लेंगे, जब हम प्रैक्टिकल करके इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं ना, तो वो प्रैक्टिकली जब वैल्यू निकालेंगे, ये तो आर थियोरेटिकल है, और प्रैक्टिकल की वैल्यू अराउंड 4.9 या 4.8 ओम अगर आपकी आ जाती है, देन इट वेरीफाइज दैट सीरीज लॉ इज करेक्ट। ये सीरीज लॉ को वेरीफाई कर देगा। ओके, थैंक यू।